हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास सुप्रीमम इन्फिमम कॉम्प्लीटनेस। इनकी डेफिनेशंस, इनको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। किसी सेट के अपर बाउंड क्या होता है और लोअर बाउंड क्या होता है, तो उसको देखते हैं। कंसिडर आ सेट, कोई सेट है एस जो कि सबसेट है आर स्टार। आर स्टार हमने पिछली भी वीडियो में पढ़ा था, ये क्या है, एक्सटेंडेड रियल लाइन। एक्सटेंडेड रियल लाइन है तो उस कंडीशन में कोई भी पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर स्टार। कोई भी पॉइंट, अ पॉइंट पी जो है बिलोंग्स टू आर स्टार, वो एक अपर बाउंड कहलाएगा अगर एक्स जो है हर लेस देन पी। जो एक्स जो है, जहां पे पी जो है वो एक अपर बाउंड कहलाएगा अगर हर एक्स जो कि एक्स बिलोंग्स टू एस, यानी कि सपोज कि एक एलिमेंट, एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4, तो इस कंडीशन में ये सेट है हमारे पास, तो इसके अपर बाउंड क्या होंगे, 5 इसका अपर बाउंड होगा। 4 से बड़ा कोई भी रियल नंबर, 4 से बड़ा कोई भी रियल नंबर यानी 4.1, 4.001, ये सब इसके अपर बाउंड होंगे। फॉर एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं, जैसे 3 4 6 यूनियन 8 9, तो इस कंडीशन में हमारे पास तो इसके अपर बाउंड आर ऑल सेट्स, यानी कि जो जो एलिमेंट्स जो है वो इससे 9 से बड़े हैं, 9 से छोटे हैं, सॉरी 9 जो है सबसे बड़ा है, 9 से छोटे हैं, तो इस कंडीशन में 9 जो है वो इसका अपर बाउंड है। जब हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं और इंटायर रियल लाइन आर द ओनली अपर बाउंड, जो रियल लाइन का अपर बाउंड जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। नोट दैट इन्फिनिटी जो है वो अपर बाउंड ऑफ एवरी सबसेट ऑफ आर स्टार। अगर हम एक्सटेंडेड की बात करते हैं तो उस कंडीशन में इन्फिनिटी जो है वो इसका अपर बाउंड नहीं होता है। बट ये हमारे पास याद रखना है कि आर स्टार का हर सबसेट उसका अपर बाउंड प्लस इनफिनिटी तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे एक फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है कि फाई का अपर बाउंड क्या होगा, फाई जो कि एम्प्टी सेट है उसका अपर बाउंड, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फाई का अपर बाउंड क्या होगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिया 3, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, वो हमारे पास अपर बाउंड होगा फाई का। इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव किस तरह कर सकते हैं, एक कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से। कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से सपोज कि हमने सपोज कर लिया कि 3 जो है वो नॉट अपर बाउंड ऑफ 5, यानी 3 जो है, 3 पे बात करें तो 3 जो है वो अपर बाउंड ऑफ 5 नहीं है। दिस वुड मीन दैट 3 इज लेस देन सम एक्स बिलोंग्स टू 5, यानी 3 जो है वो अपर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब कुछ एक्स बिलोंग्स टू 5, एक्स बिलोंग्स टू 5 से 3 जो है छोटा होना चाहिए। बट चूंकि 5 जो है वो एम्प्टी सेट है, 5 तो एम्प्टी सेट है, यानी अगर ये एक्स बिलोंग्स टू 5 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास 5 जो है नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया क्योंकि 5 जो है वो एम्प्टी सेट है। इस तरह से कह सकते हैं 3 जो है वो इसका अपर बाउंड है, यानी अब यहाँ से कह सकते हैं कि जो 5 जो है उसका हर एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट होगा वो उसका अपर बाउंड होगा। अगर कोई भी एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी भी ले लें तो वो भी इसका एक अपर बाउंड होगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, अपर बाउंड की बात हो चुकी है तो अब बात करते हैं हम लोअर बाउंड की। लोअर बाउंड क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हमारे पास सपोज कि एक एलिमेंट है, एक सेट है एस, तो कोई भी एलिमेंट बिलोंग्स टू एक एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार, वो उसका लोअर बाउंड कहलाता है अगर एक्स जो है हर उससे P belongs to S, या S S से नोट कर लेते हैं, SI belongs to S से अगर छोटा है तो उस कंडीशन में, ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू है, तो उस कंडीशन में कहते हैं X जो है वो लोअर बाउंड है। तो यहाँ से हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब यहाँ से जब लोअर बाउंड और अपर बाउंड की डेफिनेशन जब क्लियर हो चुकी है, तो अब हम बात करते हैं
सुप्रीमम एंड इन्फिमम, सुप्रीमम एंड इन्फिमम एंड कंप्लीटनेस की बात करते हैं। तो सुप्रीमम और इन्फिमम देखते हैं। द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ऑफ एस दैट इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस इज कॉल्ड द सुप्रीमम ऑफ एस। यानी कि एक हमारे पास सेट एस है, उसका अगर हम सुप्रीमम की बात करें तो सुप्रीमम में सबसे पहले हम उसके अपर बाउंड देखेंगे। अब अपर बाउंड में जो सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा, सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा वो उसका सुप्रीमम ऑफ एस कहलाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में बात करें हम, सुप्रीमम ऑफ 8, 9 यूनियन 11 इन्फिनिटी। बेसिकली बीच में 10 था, बट 10 को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये सुप्रीमम नहीं है, इन्फिनिटी ही इसका सुप्रीमम है। तो यहां से, और अब इन्फिमम की बात करते हैं, तो इन्फिमम की बात करें, द लार्जेस्ट लोअर बाउंड दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या लार्जेस्ट लोअर बाउंड यानी, या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो कहलाता है वो इन्फिमम ऑफ एस कहलाता है। यानी कोई सेट एस है तो पहले उसके हम लोअर बाउंड देखेंगे, सारे सारे लोअर बाउंड देखेंगे। अब उन लोअर बाउंड में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सबसे मैक्सिमम नंबर जो होगा वो इन्फिमम ऑफ एस कहलाएगा। जैसे यहाँ पे बात करें, इन्फिमम ऑफ 8, 9 यूनियन 11 इन्फिनिटी, तो इसका जो सुप्रीम सॉरी इन्फिमम है वो 8 है। अब एक क्वेश्चन बनता है, अगर ये यहाँ पे इस तरह से सेट होता तो उस कंडीशन में इसका इन्फिमम क्या होता। तो उस कंडीशन में भी इसका, क्योंकि 8 जो है, 8 से सारे एलिमेंट इसके छोटे, सारे एलिमेंट जो है वो बड़े हैं, तो इस कंडीशन में 8 जो है वो एक लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड है, क्योंकि लोअर बाउंड है 8, लोअर बाउंड है, तो और ये सबसे मैक्सिमम लोअर बाउंड है, तो इस कंडीशन में ये इन्फिमम होगा। तो इससे हमें, अगर ये इक्वल, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल हो, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास ये क्लोज इंटरवल डिनोट करता है कि 8 जो है वो पार्ट है इसका, और ओपन इंटरवल डिनोट करता है, जैसे ये ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है 8 और 9 जो है वो पार्ट नहीं है एस के, इसके इससे बड़े या इससे 9 से छोटे नंबर जो है वो एस के पार्ट है। तो ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में भी हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स देखते हैं। इफ वी थिंक अबाउट एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के सुप्रीमम और इन्फिमम क्या होंगे, तो एम्प्टी सेट का जो सुप्रीमम जो होगा, सुप्रीमम ऑफ 5 जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि सुप्रीमम अगर जब हम देख रहे थे कि इन्फिनिटी सेट के लोअर बाउंड, सॉरी इन्फिमम सेट के अपर बाउंड हम देख रहे थे, इन्फिमम सेट के अपर बाउंड, तो उस कंडीशन हमने पाया कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक सारे जो एलिमेंट थे वो इसके अपर बाउंड थे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास इसका जो सबसे लोअर अपर बाउंड क्या है, लोअर अपर बाउंड क्या है, माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी सेट का जो सुप्रीमम होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा। और अगर हम इन्फिमम की बात करें, तो इन्फिनिटी में हम फाई के हम लोअर बाउंड देखेंगे, तो फाई के लोअर बाउंड में हम ये देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो सारे एलिमेंट है वो लोअर बाउंड है, इसके लोअर बाउंड भी है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे, यहाँ से कह सकते हैं कि इसका हाईएस्ट लोअर बाउंड क्या है, इन्फिनिटी जो है इसका हाईएस्ट लोअर बाउंड है, तो उस कंडीशन में इन्फिनिटी जो होगा इसका इन्फिमम होगा। हेयर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ आर स्टार, एक्सटेंडेड आर स्टार जो है, रियल नंबर है, उसकी एक फंडामेंटल है, एवरी सबसेट ऑफ आर स्टार हैज अ सुप्रीमम एंड एन इन्फिमम। यानी आर स्टार का कोई भी सबसेट है तो उसका एक सुप्रीमम होगा, एक इन्फिमम होगा। अगर वो सबसेट माइनस इन्फिनिटी है तो उस कंडीशन में तो हमारे पास उसका सुप्रीमम जो होगा और इन्फिमम जो होगा, सुप्रीमम जो सॉरी माइनस इन्फिनिटी, सुप्रीमम जो होगा वो इन्फिनिटी होगा और इन्फिमम जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा। बट अगर आर स्टार के अलावा कोई सेट है तो उस कंडीशन में सिंपली हम कह सकते हैं कि सपोज ए टू बी, जहाँ पे ए और बी बिलोंग